hello welcome to light classes now in this lecture we are going to discuss about the mtg questions or mcqs about the second chapter of biological classification so in introduction of classification we have seen about three different scientists that is aristotle linnaeus and rh whitaker now या दो क्वेश्चन इज गिवन द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय लीनियस वॉज अ डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हमने जब अरिस्टोटल के देखे थे तो उसने सिर्फ प्लांट्स को और एनिमल्स को उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासीफाई किया था जैसे कि प्लांट्स को हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू दाइट्स और एनिमल्स को नॉन ब्लडेड नॉट रेड ब्लडेड और रेड ब्लडेड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था बट और किंगडम सिस्टम्स लीनियस ने और आर एच विटाकर ने दिए थे और आर एच विटाकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे बट लीनियस ने कौन से दिए थे जस्ट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो द आंसर इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इफ यू मूव फर्दर टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन सो सी य कैरेक्टर्स सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर किंगडम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन एज यूज बाई आर एच विटाकर मतलब आर एच विटाकर ने ऐसे कौन से कौन से क्राइटेरियाज यूज किए थे कि जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासीफाई किया गया था मतलब ऐसे कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे उसने पाँच किंगडम सिस्टम क्लासीफाई किए थे सो वी विल सी य क्लासीफाई फाइव किंगडम सिस्टम अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर थालेस ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एज वेल एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब ऐसे रिलेशन के वो इन्वायरमेंट को या फिर उनके सराउंडिंग को कैसे रिस्पॉन्स कर करते हैं ओके सो ये कैरेक्टर्स के या फिर इस क्राइटेरिया के बेसिस पर आर एच पिटाकर ने नाइनटीन सिक्सटी नाइन में फाइव किंगडम सिस्टम क्लासीफाई किए थे ना वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड एम सी क्यू इन विटाकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यू कैरियर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग फोर किंगडम्स इफ यू सी अ द चार्टिवन बिलो सेल टाइप कैसा है अगर फाइव किंगडम सिस्टम आर एच विटाकर ने दिए थे किंगडम मोनरा प्रोटिस्ट्रा पंगा प्लांटी और एनिमिलिया ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है जो आर एच विटाकर ने नाइनटीन सिक्सटी नाइन में दिए यहाँ पर ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया कि जो भी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी किंगडम मोनेरा में इन्वॉल्व किए गए मीन्स ऑल प्रोकैरियोट्स आर इन्वॉल्व इन किंगडम मोनेरा तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फाइव किंगडम सिस्टम में यू को कितने क्लासेस कितने किंगडम में डिवाइड किया गया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया सो फाइव किंगडम सिस्टम में यू को फोर किंगडम में डिवाइड किया गया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया जैसे प्रोटिस्टा भी यू है फंगस भी कैसे भी fungi, है फंगाई भी किंगडम फंगाई यू है प्लांटी भी यू है एनिमलिया भी यू है एक्सेप्ट मोनेरा दे आर यू मोनेरा कैसा है प्रो कैटिक बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग अ न्यूक्लियर मेमराइन इन्स अ सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेमराइन इन किंगडम प्रोटिस्टा दे हैव अ न्यूक्लियर मेमराइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन फंग प्लांटी एंड एनिमलिया सो द आंसर इज इन इन वी टाकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यू कैट आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग फोर किंगडम्स ओके नाउ द फोर्थ क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर वन टू थ्री एंड फोर मतलब ये टेबल हमें स्टडी करना है और यहाँ पर जो नंबर दिए गए वन टू थ्री और फोर यहाँ पर क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर करेक्टली ऑप्शन से फाइंड करना है ओके तो अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा का टाइप सेल टाइप कैसा है प्रोकैरियोटिक कैसा है प्रोकैरियोटिक सेल टाइप कैसा है प्रोकैरियोटिक बाकी सब यूकैरियोटिक कैरियाटिक है अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किंगडम मोनेरा में क्या है प्रेजेंट है प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है पंगाए में प्रेजेंट है प्लांटी में प्रेजेंट है बट एनिमेलिया में सेल वॉल कैसी है एबसेंट है ओके नाउ इफ यू टॉक्ट अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज ये किंगडम मोनेरा कैसा है प्रोकैरियोटिक है इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है एबसेंट है ये यू है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यू भी आयोटिक है इसलिए न्यूक्लियर मेमरन प्रेजेंट है प्लांटी यू है इसलिए न्यूक्लियर मेमरन प्रेजेंट है एज वेल एज अगर एनिमेलिया भी यू कैरियोट है मीन्स इट इज इट इज अटिक एनिमेलिया इज यू कैरियोटिक सो इट्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेमरन प्रेजेंट सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा प्रेजेंट नाउ सीओ किंगडम मोनेरा के जो भी ऑर्गेनाइज मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जैसा किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैसा है सेल्यूलर है मीन्स सेल प्रेजेंट है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में प्रोटिस्टा में भी सेल्युलर है बट फंगा कैसे है मल्टी सेल्युलर है यहाँ पर सेल्युलर सेल्यूलर एंड या मल्टी सेल्यूलर फिर उसके बाद यहाँ पर जब प्लांटी में आते हैं तो यहाँ पर वेल डिफाइंड टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जैसे वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ जाइलम एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ फ्लोएम उसके बाद अगर हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे एनिमल्स में हम जाते हैं तो फिर टिश्यूज़ होता है टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं सेल से टिश्यूज़ बनते हैं टिश्यूज से सेल्स से टिश्यूज बनते हैं टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है सो द आंसर इज प्रो कैरियोटिक सेल वॉल इज प्रेजेंट एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर अब हम किंगडम मोनेरा की तरफ आते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा की हमने स्टडी की है किंगडम मोनेरा के बारे में अगर हम एम सी क्यूज देखते हैं सो वी विल सी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा ओके नाउ किंगडम मोनेरा में फर्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दैर शेप मतलब बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पर उनके शेप के बेसिस पर स्टडी द गिवन फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस हमें ये स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं और बताने हैं कि ये स्ट्रक्चर किसके हैं कौन से ऑर्गेनिज्म के या फिर कौन से बैक्टीरिया के हैं जो उनके शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है सो इफ यू सीयर इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इफ़ इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर सो it is a bacilli okay the bacteria is a bacilli it is a spirally coiled structure of bacteria known as a spirilla okay so the b option is spirilla and this is a c means a comma shaped bacteria is known as a vibrio and a round shape or a coccus shaped bacteria is known as a cocci so the answer is bacillus bacilli स्पाइरिला विब्रियो एंड कोकाय ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो गए बैसिलस होगा विब्रियो कोकाय स्पाइरिला ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो गए बट यू हैव टू रिमेंबर ए नंबर का कौन सा है बैसिलस बिकॉज इट इज़ अ रॉड शेप यहाँ पे स्पाइरली कॉइल्ड है सो इट इज़ अ स्पाई स्पायरीला यहाँ पर कॉमा शेप है सो इट इज़ अ विब्रियो यहाँ पर राउंड कॉकस शेप है सो इट इज़ अ कोकाय ओके Now see the 6th number MCQ Give the given statement regarding methanogens Methanogens ke statements then So methanogens are included in the group archibacteria. Yes this statement is true that methanogens are grouped in a archaeobacteria as well as they are responsible for the production of biogas in the gober gas plants They are responsible for the biogas we have seen the methanogens are the bacteria which are present in the dungs of cows, and or, uh, we can say it is present in ruminant animals such as a grazing animals, and um, it is used for the production of biogas. So, this is a true, they are strictly anaerobic. We know that they are anaerobic. So these statements are true. And the optional statement is given that is the um, wait. Oh yes. Uh, so the third number option is given that they are strictly uh, sulfur hot, containing a sulfur hot spring. So that statement is wrong. Methanogens does not contain a hot sulfur springs because they are the uh, grouped in archibacteria as well as they are responsible for biogas and they are strictly anaerobic okay now we will move further the seventh question is that which of the following statement is incorrect regarding the structure of typical bacteria if we talked about the typical bacteria so which statement is incorrect so see a uh, cell possesses a naked Circular DNA, which is folded to form a nucleoid. We have seen a structure of prokaryotic cell, it is a typical bacterial cell. So, we have seen a circular DNA which is folded and to form a nucleoid. So, this statement is true. Cells are surrounded by the peptidoglycan cell wall and mucilaginous sheet. Mucilaginous sheet means a gelatinous sheet. And peptidoglycan is a layer present around the bacterial cell. So this statement is also true. Now, what is the third statement? Cell possess well-developed membrane-bound organelle. So this statement is wrong. Does the bacterial cell possess a well-developed or uh, membrane-bound organelles? No. Bacterial cell does not develop a membrane-bound organelle. That is the cell organelle. And if you talked about the fourth MCQ, that ribosomes in these cells are 70s type in nature. So, this statement is correct that uh, ribosomes in the bacterial cell is of 70s subunits. Okay. Now, the next MCQ is cyanobacteria are used in agricultural fields for crop improvement because they cause dash. N2 and, and fixation means what nitrogen fixation? We have discussed about the cyanobacteria in Kingdom Monera. We have discussed about the cyanobacteria in Kingdom Monera, um, about the U bacteria. Cyanobacteria are the U bacteria, means it is a true bacteria which performs a nitrogen fixation, they are unicellular. Colonial, filamentous, thread like they live in fresh water, marine water, or they may be a terrestrial. Now, how they fix their nitrogen? So, this cyanobacteria. cyanobacteria's are having a specialized cells in which they having a ability to fix the nitrogen present in atmosphere. Means the conversion of nitrogen into ammonia is known as a nitrogen fixation. So, so, so the cyanobacteria is having an ability of nitrogen fixation. If we talked about the examples of bacteria, so Nostec and Anabena is an example of nitrogen fixation, and they are consists of in a specialized cell that is a, a heterocyte cells in which the nitrogen fixation takes place okay now we will move towards the next question given figure is a is of a filamentous blue green algae nostoc identify the parts marked as uh, a and b now here you can see the structure here the cell middle cells are known as a, a cells and afterwards the labeled b means the upper layer is labeled as a b so a number is a heterocyte cells which is a specialized cells which performs a nitrogen fixation in them and B number is a mucilaginous sheet which is also known as a gelatinous sheet present on the blue green algae for their protection okay it is a structure of nostoc okay and one more example of this uh, nitrogen fixation bacteria is Anabena. so we will write here and Anabena. Okay. Now, see here uh, the next question. Select the correct statement regarding heterocyte cells. Okay. These are present. Correct statement. We need a correct statement. Okay. These are present in some filamentous cyanobacteria such as Nostoc and Anabena. We have seen that the heterocyte cells are present in Nostoc and Anabena. So, this statement is true these cells are specialized cells to perform nitrogen fixation we have seen that the heterocyte cells are the specialized cells which performs a nitrogen fixation These cells contain enzymes nitrogenase now these cells are having means this heterocyte cells are having enzyme nitrogenase which, which convert the Atmospheric nitrogen into ammonia, so that this statement is also true. So the option, the answer is all of these are the correct statement. So the next question, we will move towards the next question. Now here you can see the given figure represent the ultrastructure of a typical cyanobacteria bacterial cell. Identify the parts and select the correct option for A and B. If you see here the ultrastructure of a typical cyanobacterial cell it is a typical structure of cyanobacterial cell if you want to see this b part this is a thylakoid and a part is a naked dna means we can see a dna present inside the cyanobacterial cell okay and this is a thylakoid cells now we will move further towards the next question now see the 14 number question is dash bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates nitrites and ammonia and use the released energy for atp production they plays an important role in recycling of nutrients that nitrogen phosphorus iron and sulfur etc so the bacteria विच ऑक्सीडाइज द वेरियस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मत मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या कि कोई भी सब्सिटेंस से कंबाइन होता है ऑक्सीजन ऐसे कोई भी सब्सिटेंस से कंबाइन होता है और उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं मीन्स कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना और फिर उससे क्या फॉर्म करना नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया और उसके बाद जो एनर्जी जनरेट होगी उसे क्या कहेंगे ए टी पी दैट इज़ एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इट इज़ अ एनर्जी करेंसी सो ये क्या इंपॉर्टेंट साइन ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो अपना एनर्जी खुद खुद मीन्स ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं बट विद दी हेल्प ऑफ कीमो सिंथेसिस कीमोसिंथेसिस का मतलब ऐसा है कि वो केमिकल्स की मदद से खुद का खाना खुद बनाते हैं सो दिस ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और नाइट्रेट नाइट्राइट्स और अमोनिया का कन्वर्जन एटीपी में करते हैं मतलब एनर्जी करेंसी में करते हैं उनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो, कहते हैं और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस, आयरन सल्फर इनको क्या कहते हैं रिसाइकिल करने का काम करते हैं सो वी विल सो द आंसर इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना फूड प्रोवाइड करते हैं ओके ना वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन अलगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आरकी बैक्टीरिया मतलब फाइव किंगडम सिस्टम में ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें ये सब ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथानोजेनिक आर के बैक्टीरिया ये ऐसा कौन सा किंगडम है सो दैट किंगडम इज नोन एज अ किंगडम मोनेरा फर्स्ट किंगडम ओके नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सिक्सटींथ क्वेश्चन डैश आर द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज एंड के एंडिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स है जो क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं सड़े हुए चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है जो डेड बॉडीज को क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं वो चाहे प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो सो दैट इज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटिक फंगाए सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डीके मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं तो दे में बी अ फंगाई और दे में बी अ बैक्टीरिया सो द आंसर इज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एज वेल एज सेप्रोफाइटिक फंगाई ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर द पैर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल बैक्टीरियल डिसीजेज ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरियल एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करते हैं डिसीज कॉज करते हैं सो दे आर क्लोरेला टाइफॉइड सिट्रस कैंकर एंड क्राउनगॉल मतलब ये पैर है क्लोरेला टाइफॉइड सिट्रस कैंकर एज वेल एज क्राउनगोल आ द बैक्टेरियाज और ऑर्गेनिजम दैट कॉज डिजीज इन प्लांट एज वेल as एनिमल्स ओके ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं बीमारियाँ फैलिया फैलाते हैं जैसे क्लोरेला एंड टाइफॉइड सिट्रस कैंकर और गॉल्स ओके okay? ये जो बैक्टीरिया है या फिर ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं बीमारियाँ फैलाते हैं नौ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस या फिर मेथड कौन सी है बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन मतलब क्या एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना बाइनरी फिजन ओके नाउ यर वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ माइक्रोप्लाज्म आर क्लासिफाइड अंडर माइक्रोप्लाजम्स हम किंगडम मोनेरा में देखे थे माइकोप्लाज़म्स कैसे ऑर्गेनिजम्स है माइक्रोप्लाजम्स हम किंगडम मोनेरा में देखे थे जैसे कि वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल नहीं होती मीन्स अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक मतलब ये जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक है मतलब उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती बट एज वेल एज दे लैक means except these mycoplasmas these mycoplasma bacteria lack their cell wall as well as they lack their cell wall and they are smallest living cells these mycoplasmas are the smallest living cell and as well as they can survive without oxygen as a organism say जो ऑक्सीजन के बग़ैर भी सर्वाइव कर सकते हैं मैनी माइक्रोप्लाजम्स आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइकोप्लाज्म ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे ऑर्गेनिज़म्स है जो प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं so, सो ये जो माइक्रोप्लाज्माज है वो किसके अंडर क्लासिफिकेशन में किया गया है

नहीं जी सकते बट ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज अगर ऑक्सीजन एन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं भी हो तो ये ऑर्गेनिज्म माइको ये सर्वाइव कर सकते हैं दे आर द पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स येस दिस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू दैट दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स सो द आंसर इज दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट माइको ये स्टेटमेंट कि वो ऑक्सीजन के बगैर जी नहीं सकते ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज वो ऑक्सीजन के बगैर भी जी सकते हैं ओके सो वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन ओके सी अ रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई है और क्या बता रहे हैं वो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताओ ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पर्जेज लिपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके फर्स्ट स्टेटमेंट ये है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर की बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड्स ओके ये स्टेटमेंट दो दी गई है मतलब क्या हर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है लिपोप्रोटीनेशियस लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर की बैक्टीरिया की और यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया क्या है स्पेशल बैक्टीरियाज है यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज है इनकी जो लिपिड लेयर है या फिर टाइप है बैक्टीरिया की वो कैसी है सेम लिपिड से बनी है सो द आंसर इज़ यहाँ पर ये दो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है मीन्स आर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के पास सेम लिपिड्स नहीं होते उनमें कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनको आर बैक्टीरिया और यू बैक्टेरिया में दो जगह पर किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया गया वी हैव सीन अबाउट दैट किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू आर बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया का मतलब क्या है वो एक स्पेशल सेल है और यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है वो ट्रू सेल्स है मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा इसीलिए उनको डिवाइड किया गया सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इन और फर्स्ट स्टेटमेंट के सभी बैक्टीरिया में लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है लिपिड और प्रोटीन का कोट होता है द पर्स इज अपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ किंगडम मोनेरा इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब रॉन्ग है पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज नाइन्टी परसेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजेज यस पैथोजेनिक बैक्टीरिया उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डिसीज कॉज करते हैं तो ये स्टेटमेंट राइट right है पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइन्टी परसेंट तक ह्यूमन में डिसीजेस स्प्रेड करते हैं ओके अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज दैट इज स्ट्रेपटाइसिस विच आर अ क्लास ऑफ फंगे एक्टिनोमाइसिटीज वॉट इट्स दैट द के एंटीबा ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिटीज है जो फंगस की क्लास है वो क्या करती है लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है सो वी हैव सीन दैट द फंगाई uh, की मतलब कोई क्लासेस है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है बट लार्ज नंबर में नहीं है एज वेल एज हमने एक्टिनोमाइसिटीज देखे ही नहीं है किंगडम फंगाई की ये क्लास है ही नहीं बिकॉज हमने कौन से कौन से चार क्लासेस देखे थे किंगडम फंगाई कंसिस्ट ऑफ फोर क्लासेस दैट इज फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज एस एक्टिनोमाइसिटीज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं सा नहीं था सो so, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं एंड टू फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एटमोसफियर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, ओके आर बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन ओके आर बैक्टीरिया क्या है एक्सट्रीम कंडीशन में लाइव करते हैं बिकॉज क्यों क्योंकि उनके सेल का एक स्ट्रक्चर वेल डेवलप होता है आर बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एक स्पेशल बैक्टीरियाज है बिकॉज उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है और ये उनको क्या है किसके लिए हेल्प करता है कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम बुरी से बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर सके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल एमसीक्यूज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ biological classification as well as kingdom monera in next video we are going to see about the kingdom protista okay so thank you friends for watching my video